दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है और अपने जो गूगल क्रोम है जो थ्री डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके फ़ोन में जैसे ही आप ये डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करते हैं आपका ये जो इंटरफेस है वो डेस्कटॉप की तरह खुलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बुक माई एच एस आर पी, देख सकते हैं यहाँ पर बुक माई एच एस आर पी, यहाँ पर जो पहले वाला जो लिंक शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। करते हैं इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको ये जो सारी डिटेल्स है आपके व्हीकल की यहाँ पर आपको जो है फिल करनी होगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बताता हूँ। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टिकर। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। बुकिंग डिटेल्स में व्हीकल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आरसी पे नंबर होता है गाड़ी का नंबर वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट एंटर करने हैं, पूरा नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट के 5 डिजिट एंटर करने हैं और यहाँ पर आपको इंजन नंबर भी लास्ट के 5 डिजिट एंटर करने हैं। उसके बाद आप नीचे आप देख सकते हैं कैप्चा है, यहाँ पर आपको फिल कर लेना है कैप्चा। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक है, आपकी व्हीकल की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको व्हीकल कैटेगरी चूज़ करना है, आपका स्कूटर या मोटरसाइकिल जो भी है वो आप कैटेगरी चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ओनर का नाम डालना है, जिसके नाम पर गाड़ी है वो यहाँ पर ओनर का नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं रजिस्टर्ड वाला ही डालें। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना, यहाँ पर आपको अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, ये भी आप एड्रेस कोई सा भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप जब आएंगे यहाँ पर आपको सिटी आपको आपका एंटर करना है और यहाँ पर अगर आपका जीएसटी नंबर तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम डिलीवरी और डीलर अपॉइंटमेंट का। अगर आप अपने घर पर मंगाते हैं तो आपको जो है हाई सिक्योरिटी प्लेट के जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे 125 रुपये प्लस GST, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा बुक करने से पहले। और अगर आप अपने नियर बाय कोई भी डीलर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको 125 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। फिलहाल हम जैसे कि होम डिलीवरी चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना होगा और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो अपना एड्रेस फिल कर देना है, जिस भी आप एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से ये सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम स्लॉट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वो डेट चूज़ कर लेनी है जिस डेट में आपको हाई सिक्योरिटी प्लेट अपने घर पर मंगवानी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लॉट अवेलेबिलिटी, आप अपने हिसाब से जो है वो डेट आप चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइम चूज़ कर लेना है और कन्फर्म और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही बुकिंग समरी शो हो जाएगी और जो भी डिटेल्स हमने अब तक फिल करी हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कन्फर्म प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है और पेमेंट कर देनी है। तो पेमेंट जो भी यहाँ पर होगी यहाँ पर टोटल कॉस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चाहे तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं और अदरवाइज अगर आप अपना सेम मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं यहाँ पर आपकी जो है इस तरह से स्लिप जनरेट हो जाएगी, आप उस स्लिप को जो है प्रिंट कर लीजिएगा और या फिर आप उसका PDF अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब भी आप अपने नियरेस्ट किसी डीलर के शोरूम पे जाएंगे जहाँ पर आपने ये बुक किया है किसी शोरूम के लिए, वहाँ पर आपको जाकर लगवाना है तो वहाँ पर ये आपको स्लिप दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपने घर पर मंगा रहे हैं तब भी आपको ये स्लिप दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको आप जो सिंपली आप जो प्रिंट कर लीजिएगा। सो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।